CI1 की टीम ने स्नैचिंग के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से शहर के स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया और पूछताछ में आरोपियों ने 3 स्नैचिंग के मामलों का खुलासा किया है। वारदात काफी बढ़ रही थी तो दिनांक 11/1 को लगातार 2 स्नैचिंग हुई थी 15 मिनट के अंतराल पे। उसमें 3 लड़के थे, उन तीनों लड़कों को हमने कर लिया है, राउंड अप कर लिया है और तीनों से हमने 2 वारदातों का खुलासा किया। हम दोनों मान लिए हैं और दोनों के फोन बरामद कर लिए। और कितनी की वारदातें खुली हैं? उसके अलावा एक और वारदात का खुलासा हुआ है, उसमें अभी हम जांच जारी कर रहे हैं और अभी उसे पूछताछ जारी। सर कहाँ के रहने वाले हैं व्यक्ति? इसमें 2 लड़के रवि और प्रिंस जो है ससोली माजरी के रहने वाले हैं, दोनों पड़ोसी हैं। और एक ये लड़का है पंकज राणा जो ये खालसा स्कूल के पीछे फरफुर का रहने वाला। सर इन्होंने कोई घर में भी चोरी की थी या सारी स्नैचिंग ही? नहीं, इनके ऊपर पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और कोई पहली बार इन्होंने किया। सर कारण क्या है स्नैचिंग का? स्नैचिंग का कारण यही है कि नशे के आदी है और नशे की लत की वजह से इन्होंने स्नैचिंग की है। किसकी बाइक पे वारदात को अंजाम दिया? ये प्रिंस था लड़का जो जिसके पास ये स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ब्लैक कलर की, उसके ऊपर बैठ के तीनों लड़के उस दिन इन्होंने दोनों फोन स्नैच किए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।